हेलो और नमस्कार दोस्तों, एक टॉपिक जिस पर आज बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। आखिर इसका मतलब क्या है, क्योंकि भारत में यह स्टेटमेंट चर्चा का विषय लगातार बना रहता है। भारत में इस पे बात होती है क्योंकि भारत के बारे में कई बार कहा जाता है कि इंडिया एक नेशन नहीं है। ऐसे में यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, आज पूरी बात करेंगे इस मुद्दे पर। मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। देखिए, पूरे वर्ल्ड में अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो दो तरह के स्ट्रक्चर जो है वो बहुत फेमस हैं। एक होता है फेडरल नेचर और एक होता है यूनिटरी नेचर। पहले इन दोनों को समझते हैं, फिर बात करेंगे आगे चल के यूनियन ऑफ स्टेट्स की, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, फेडरल का मतलब होता है कि जहां पर स्टेट और सेंटर के बीच में पावर का वेल डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहां पर स्टेट की अपनी पावर पेरिफेरी होती है और सेंटर की अपनी पावर पेरिफेरी होती है, उसे हम फेडरल नेचर ऑफ कंट्री कहते हैं। लेकिन जिस देश में सारी सत्ता और सत्ता की सारी शक्तियां वहां के केंद्र के पास निहित होती है और राज्य के पास वहां पर पावर नहीं होती है, ऐसे स्टेट को बोलते हैं यूनिटरी स्टेट, यूनिटरी कंट्री भी आप उसको बोल सकते हैं। तो यहां से फेडरल और यूनिटरी का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि फेडरल जहां पर पावर का वेल डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और यूनिटरी का मतलब होता है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर का कंट्रोल रहता है, स्टेट में भी प्रेजेंट मे नॉट बी प्रेजेंट। ऐसे में फेडरल और यूनिटरी के कई सारे डिफरेंसेस होते हैं जो आपको समझने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करेंगे फेडरल में, तो आपका स्टेट सेंटर के बराबर ही स्ट्रांग होता है, लेकिन यूनिटरी में स्टेट होता ही नहीं है, अगर है भी तो वो वहां पे पावर को होल्ड नहीं करता। ऐसे में एक सबसे अच्छा टर्म होता है जुडिशियरी। देखिए, जब सेंटर और स्टेट है तो उनके बीच में सबसे बड़ी समस्या आती है, जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया आपने तो एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि उनमें डिस्प्यूट होगा, तो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए होती है। ऐसे में हर फेडरल कंट्री में आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, जबकि यूनिटरी फीचर में आप इस चीज को देखेंगे कि वहां पर जब सारी सत्ता की चाबी और उसकी पावर वहां केंद्र के पास है तो ऐसे में डिस्प्यूट होने की संभावना नहीं है। दैट्स व्हाई यूनिटरी में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता। इसी तरीके से अब जब पावर पेरिफेरी है तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातें वेल डिफाइंड प्रोसेस में लिखी होनी चाहिए। इसीलिए आप फेडरल कंट्री में देखेंगे कि वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जबकि यूनिटरी में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है वहां पर। एक और बहुत बड़ी बात, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, मतलब जितने भी लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ में ही वहां पर आते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसी के अकॉर्डिंग सारे काम वहां पर किए जाते हैं। तो ऐसे में फेडरल कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी निहित होती है। वहीं पर यूनिटरी की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक और कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर, अर्थात दो सदनों की व्यवस्था होना। कारण यह होता है कि एक जो सदन होगा वो वहां के लोगों के बारे में सोचेगा, अर्थात वो लोगों का रिप्रेजेंटेशन करेगा, जैसे कि इंडिया में लोकसभा है, और दूसरा क्योंकि राज्य की अपनी समस्याएं होंगी, और राज्य की समस्याओं को भी सुनने के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट होगा, जिसे हम भारत में राज्यसभा कहते हैं। ये आपको पूरी जो प्रक्रिया है ये अमेरिका में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें यूनिटरी में, तो यहां पर एक सदन भी हो सकते हैं और दो सदन भी हो सकते हैं। यह कुछ ऐसे डिफरेंस हैं जो आपको यूनिटरी और फेडरल में दिखाई देंगे। तो फिर ये यूनियन वर्ड कहां से आया, अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन देखें तो फेडरल और यूनियन कॉन्सेप्ट कमोबेश एक जैसा है। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था उस समय बी.आर. अंबेडकर ने फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में यह लिखा, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। कमोबेश हम कह सकते हैं कि फेडरल और यूनियन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। तो फिर डिफरेंस क्या है,
डिफरेंस ये है कि फेडरल नेचर जब भी होगा, कोई भी कंट्री अगर फेडरल नेचर की है, तो वहां पर जो राज्य होते हैं उनके पास अपनी शक्तियां होती हैं और राज्य अपने आप को केंद्र अर्थात सेंटर से अलग करने की शक्ति रखते हैं। तो यहां पर राज्य शक्तिशाली होते हैं और अपने आप को सेंटर से अलग कर सकते हैं, यह पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा होता है कि राज्यों के मध्य संधि होती है, जबकि यूनियन बी.आर. अंबेडकर ने डिफाइन किया कि हम यूनियन क्यों यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भारत में जो राज्य हैं और जो भारत एक नेशन एक कंट्री के फॉर्म में यूनियन बना है, वहां पर राज्यों के मध्य कोई संधि नहीं हुई है। अर्थात ये सभी संधि का परिणाम यहां पर नहीं है और साथ ही राज्यों के पास यह शक्ति नहीं है कि वो अपने आप को केंद्र से अलग कर सकें। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन बिटवीन फेडरल एंड यूनियन। अब बात यह है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट और नेशन, नेशन नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट है, इस बात को कोट किया जाता है। एक बात समझिए, नेशन का मतलब जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि नेशन का जो बेसिक मीनिंग होता है, वो मीनिंग होता है कि वहां पर एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, एक आइडियोलॉजिकल होमोजेनिटी का डिस्कवरी होता है, फॉर्मेशन होता है। जबकि यूनियन ऑफ स्टेट एक पॉलिटिकल टर्म है, नेशन पॉलिटिकल टर्म नहीं होता। नेशन वहां का कल्चरल जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करता है। तो नेशन के कॉन्सेप्ट को आप अलग लेके चलिए और वहीं पर हम जब बात करेंगे यूनियन की, तो ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से अलग हो जाता है। तो बी.आर. अंबेडकर के द्वारा दिया गया यह कॉन्सेप्ट अपने आप में जस्टिफाई करता है कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है, लेकिन साथ में इंडिया नेशन को भी प्लांट करता है, इनबिल्ट करता है, क्योंकि इंडिया एक कल्चरल होमोजेनिटी की बात करता है। हमारे यहां लैंग्वेज अलग है, हमारे यहां बोलियां बदलती हैं, हमारे खान पान भी अलग होते हैं, लेकिन हमारा जो विचार है, हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें एक कॉमननेस हमको दिखाई देती है, एक कॉमन थिंग हमें हमेशा भारत में दिखाई देगा। आप चाहे पूर्वोत्तर जाएं, चाहे पूर्व जाएं, चाहे आप उत्तर जाएं, चाहे पश्चिम जाएं, आप चाहे दक्षिण जाएं, चाहे आप सेंटर में रहें, आप कहीं पर भी रहें, आप एक चीज देखेंगे कि भारत के कल्चर में कमोबेश समानता आपको दिखाई देगी। ये अलग बात है कि वहां की जलवायु के आधार पे इन कल्चर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस जो हैं वो हो जाते हैं, लेकिन हम इन्हें डिफरेंसेस नहीं कहते, हम इन्हें डाइवर्सिटी कहते हैं। अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लगातार डेवलप होता जा रहा है। दैट्स वाई इंडिया एक नेशन भी है और इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट भी है। हमारा संविधान यूनियन ऑफ स्टेट की बात करता है, अर्थात यह राज्यों का संघ है जहां पर राज्यों की अपनी शक्तियां हैं और साथ ही साथ भारत राज्यों को वह अधिकार देता है जिससे वह अपने अपने जो जनता है, उस राज्य की जनता है, उसके लिए वह कार्य कर सके। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है कि भारत में केंद्र शक्तिशाली होता है और राज्य के पास शक्तियां सीमित होती हैं। यह सारी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कोई भी आपको बरगला नहीं सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करेंगे कुछ नए टॉपिक की। तब तक इजाजत दीजिए अपने दोस्त को और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।